बेटा हमारा देवश त्रिपाठी जिसका नाम है, और वो बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, यहीं पर एमजी यूनिवर्सिटी से कर रहा था, लखनऊ से ही। 28 तारीख को सुबह वो आया, फीवर था उसको, तेज फीवर था, फिर भी मेडिसिन दे दिए गए थे जो दिए थे, उसको आराम नहीं हुआ, उसको वो उल्टियाँ शुरू हो गई, 4-5 उल्टी हुई फिर मैं, और पेन बहुत हो रहा था उसे बहुत, जब भी उल्टी थी होती तो क्रैम्प सा हो रहा था, पूरी बॉडी में क्रैम्प हो रहा है तो पेन हो रहा था। तो फिर हम रात में हमने डिसाइड किया कि हम मेदांता लेके चलेंगे, क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। 21 साल के यंग मेल पेशेंट मिस्टर देवर्षि त्रिपाठी, ये हमारे पास मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग, फीवर और पीलिया लेकर प्रेजेंट किए थे। इनिशियल जांचों के बाद ये पता चला कि इनको हेपेटाइटिस ए था और उसकी वजह से इनका लिवर और किडनी फेल हुई थी। प्रेजेंटेशन के अगले ही दिन आईसीयू में इनको दौरे पड़े और दौरों के साथ साथ इनका होश भी कम हुआ, जिसकी वजह से इनको तुरंत वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। और साथ ही साथ नेफ्रोलॉजी टीम को हम लोग ने इन्वॉल्व किया और CRRT जो कि एक कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डायलिसिस होती है उस पर मरीज को लिया गया। इनका अमोनिया लेवल भी बहुत हाई था। साइमल्टेनियसली हमने लिवर ट्रांसप्लांट टीम को भी लूप में रखा, एक्टिवेट किया कि लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता भी पड़ सकती है, फैमिली को भी स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित किया। जांच हुई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मालूम पड़ा कि हेपेटाइटिस ए का वायरस है इसमें, और लीवर SGOT PT जो कि 50 तक होता है वो 12,000 हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने बताया कि भाई लीवर भी डैमेज है, हो सकता है लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़े। तो मेरे लिए तो बहुत ही दुखद और असहनीय था। लीवर फेलियर होने की वजह से मल्टीपल चीज़ें इनके साथ लगी रहीं, जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शंस का होना, और इनको उन इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया गया। अंततः करीब 2 महीनों के बाद इस टॉमी सफ़र के बाद ये पेशेंट इम्प्रूव होने लगा, उसको यूरिन आउटपुट भी आने लगा और धीरे धीरे करके इसकी डायलिसिस भी समाप्त हो गई। इस पूरे दौरान पेशेंट के माता पिता, वो दोनों हमारी टीम पर काफ़ी भरोसा रखते थे और मरीज को भी बहुत प्रोत्साहित करते थे। डॉक्टर मनीष ने अच्छी मेहनत की, हार्डवर्किंग हैं सब लोग, नर्सिंग स्टाफ अच्छा था, और ICU 3 में आकांक्षा जी हैं, उनका बड़ा सहयोग रहता था हमेशा, सब लोग फ्रेंडली मिलते थे। अब तो 2 महीने हो गए थे मुझे, तो हमें तो अब हमारा घर ही हो गया था एक तरह से।